एक 34 साल के लड़के को उसके माँ बाप ने मेरे पास में लाया। उसको बीमारी है शक की। क्या है कि देहात में रहते हैं और देहात में टॉयलेट घर में नहीं है, तो उनको टॉयलेट के लिए खेत में जाना पड़ता है। तो वहाँ वो जब खेत में उसकी पत्नी जाती थी सुबह सुबह उठ के, तो उसने एक बार देखा कि एक लड़का जो बाजू में रहता है वो भी वही वही एरिया में खेत में वो टॉयलेट के लिए गया था। तो उसको शक आ गया कि भाई इसके पत्नी का और वो लड़के का कुछ ना कुछ संबंध होगा। और वो शक फिर बाद में धीरे 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 बढ़ता गया। फिर उसको ये लगने लगा कि ये रात में सोती नहीं है, मैं खुद जब सोता हूँ तो ये रात में उठ के वो लड़के के पास में जाके सोती है और फिर वहाँ शारीरिक संबंध रख के वापस आ जाती है। तो बोले फिर उसको जब पूछा मैंने कि भाई आपको कैसे मालूम ये, आप सोते हैं तो फिर आपको कैसा मालूम ऐसा होता है? नहीं, बोले मुझे उसके चाल चलन से मालूम होता है, जिस तरह से वो इशारे करती है, जिस तरह से वो बातचीत करते, उसके वजह से मेरे को मालूम होता है कि ये मेरे पत्नी का वो लड़के के साथ में कुछ तो भी है। भाई मगर आप तो नींद में रहते हैं, फिर नींद में कैसे मालूम कि वहाँ जाती है? नहीं, क्योंकि अभी वो वहाँ उसको अच्छा सुख मिलता है और इसलिए फिर मेरे साथ में संबंध करने में वो तैयार नहीं रहती, और जब भी कभी संबंध करने में तैयार हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट रहता नहीं है और फिर मुझे जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है और फिर मुझे समाधान मिलता नहीं है। फिर मैं भी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसलिए मुझे शीघ्र पतन हो रहा है, और फिर वो झगड़े करता रहता है। उसके माँ बाप ने उसको लाया और वो कुछ ऐसा रैशनली एक्सप्लेन नहीं कर सका कि भाई आप बोलते कि संबंध है मगर आपने कभी देखा क्या? नहीं, देखा नहीं है। वो एरिया में वो लड़का गया, एक बार वो देखा, बस उतना ही हो गया। बाकी घर के लोग बोल रहे कि नहीं हमारी बहू जो है वो ऐसी नहीं है, इस तरह की नहीं है, ये चाल चलन उसकी है नहीं, वो कभी बाहर भी जाती नहीं है। ये लड़के को मगर बार 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 वो विचार आ रहे कि नहीं वो वैसी ही है। अब ये क्लियर कट हो गया कि पैरानॉइड डिल्यूजन है और ये डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी बोलते हैं हम इसको, कि भाई वो पत्नी की चरित्र जो है उसके ऊपर शक आना और उसके वजह से फिर सब डिस्टर्ब हो जाना। धीरे धीरे उसकी नींद भी खराब हो रही थी, वो काम भी नहीं करता था, खेत में जाता था काम भी नहीं करता था, घर में पड़े रहता था कंटिन्यूसली पत्नी के संपर्क में, और पत्नी के ऊपर वॉच रखना, उसके ऊपर चिड़चिड़ापन करना, उसने कहीं बाहर भी देखा खिड़की के बाहर तो बोला नहीं तो उधर ही देख रही है ऐसा करना, और फिर उसके इसके लिए हमारे पास में लाए। तो फिर वो जब देखा तो उसको एक मतलब दो ढाई महीने ऐसे हो चुके थे ऐसा होने को, तो मैंने ठीक है हम इसका इलाज करेंगे, और इलाज करके अच्छा हो सकता है क्योंकि जब ये बीमारी है और पहले नहीं था ऐसा, पर पहले जब हमने पूछा तो शादी के पहले भी मतलब काफ़ी 2-4 साल से ही ऐसा उनको पेरेंट्स को नज़र आ रहा था कि ये थोड़ा शकीला स्वभाव का है, और बोलते थे हाँ ठीक है शक करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था उसको, पर शकीला स्वभाव पहले से ही था। अब ये वो ज़्यादा ही हो गया शादी के बाद में और ये प्रॉब्लम बीमारी में कन्वर्ट हो गया। उसके साथ में आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट करो तो कुछ फ़ायदा नहीं था, इसलिए फिर मैंने बोला कि ठीक है हम ऐसा करते हैं उसको ट्रीटमेंट देते हैं। फिर हमने उसको एंटीसाइकोटिक्स ट्रीटमेंट चालू किया। उसको बोला ठीक है आपको ऐसा लगता है ठीक है हम देखेंगे, उसके ऊपर नज़र रखेंगे, उसके ऊपर वॉच रखेंगे, उसके साथ में बातचीत करता हूँ तुम्हारे पत्नी के साथ में ताकि वो भी ढंग से रहेंगे आपके यहाँ और जाएंगे नहीं इधर उधर, और उसका भी इलाज हम करेंगे ऐसा उसको बोल के फिर इसका वो लड़के का इलाज चालू किया, दवाई लिख के दिया, और फिर कुछ दिन में उसको अच्छा लगने लगा। मतलब वो जो था कि ठीक है अभी मुझे बोले विचार आता है मगर अभी मैं उसके तरफ ख्याल देता नहीं हूँ, ठीक है आता है वो मतलब चलते रहता है ऐसा, मतलब वो लाइटली कैजुअली लेने लगा बाद में फिर, और एक 1.5-2 महीने में पूरा उसका निकल गया। तो क्या होता है कि तभी भी ये पेरेंट्स ने 2-2.5 महीने लगाए मेरे यहाँ लाने को, यदि जल्दी लाते हैं तुरंत तो बहुत अच्छा उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, नहीं तो क्या होता है कि सबका लाइफ उसमें वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो अभी मैं केस बता रहा हूँ इसमें एक्चुअली डिवोर्स पे केस आ गई थी कि भाई ये इतना शक करता है तो फिर मेरे को रहना ही नहीं है, वो पत्नी बोल रही थी, मगर अभी वो अच्छा हो गया और अभी वो अच्छा संबंध कर रहे हैं और उनका संसार भी अच्छे चल रहा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।